जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी 27,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही यूपी में आचार संहिता की घोषणा को लेकर भी बहुत ही बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा जिससे सारी चीजें आप सभी के समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। देख सकते हैं कि यूपी इलेक्शन 2022 लाइव, आज 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों का होगा ऐलान, दोपहर 3:30 बजे आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं कि यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग यह भी साफ कर दिया कि चुनाव जो है ये अपने जो है तय समय पर ही होंगे। मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है। सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें भी जारी हैं और सबसे ज्यादा हलचल है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर 403 सीटों में मतदान होना है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं कि जो है एनडीटीवी की तरफ से भी यहां पर ऐलान कर दिया गया है। कहने का मतलब कि जितने भी न्यूज चैनल हैं सभी की तरफ से यहां पर जो है चुनाव की तारीख की जो है घोषणा को लेकर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यहां पर आज से चुनाव को तो ऐलान हो जाएगा, लेकिन यहां पर इन छात्रों का क्या होगा जो लगातार यहां पर नई भर्ती विज्ञापन को लेकर भटक रहे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक के हो या फिर टीजीटीपीटी के हो या फिर यहां पर एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के हो। अब यहां पर छात्रों के मन में बहुत ही बड़ा सवाल है कि यहां पर क्या अब टीजीटीपीटी 27,000 नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आचार्य संहिता तो समझ लीजिए कि लग गई है, तो अब यहां से क्या होगा छात्रों का। तो देखिए, मैं यहां से टीजीटीपीटी 27,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए साफ कर दूं आप सभी को कि यहां पर इसमें कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। और जैसा कि यहां पर बयान सामने निकल कर आया था कि 15 जनवरी तक जारी हो सकता है विज्ञापन, तो पूरी पूरी संभावना है। जिस प्रकार से यहां पर चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी के द्वारा कल की डेट में वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी, तो ठीक उसी प्रकार आप सभी का नई भर्ती का विज्ञापन भी तय समय सीमा पर ही जारी किया जाएगा। और इसके पहले चयन बोर्ड के द्वारा कई बार घोषणाएं की जा चुकी हैं कि आचार्य संहिता का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला नई भर्ती विज्ञापन में। और आप सभी यहां पर भी देख सकते हैं कि ऐसे में आचार संहिता लागू होने से विज्ञापन जारी करने में किसी तरह की समस्या नहीं है, तो यहां पर कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। 15 तारीख तक का आप सभी का इंतजार करना होगा और जो भी ऑथेंटिक जानकारी निकल के आती है आप सभी तक सबसे पहले सही और सटीक पहुंचा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।